Assalamualaikum everyone, welcome to Anika's World. I hope you all are good. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ थ्री चीजें डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट बेबीज ईयर. सबसे पहले तो न्यू बोर्न बेबी के ईयर की केयर किस तरह से करनी है, क्योंकि जब हम कैप पहनाते हैं तो जो ईयर्स होते हैं ना बेबी के, वो बहुत ज्यादा इस तरह से साथ चिपटे हुए होते हैं, तो अक्सर ईयर की जो बैक साइड होती है ना वो खराब हो जाती है. तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि इसकी केयर कैसे करनी है, ड्राई हो जाए तो क्या करना है, वेट वेट हो तो क्या करना है, और अगर पीछे छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाए तो उनको कैसे डील करना है. और इसके अलावा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि अगर बच्चों के ईयर में पेन हो रही हो उसको किस तरह से ठीक करना है, और बेबीज के ईयर्स को प्रॉपरली क्लीन कैसे करना है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जी मेरे बेबी के जो ईयर्स हैं वो बैक साइड से वेट वेट हुए हुए हैं. तो जब मेरे बेबी के ईयर्स वेट होते हैं तो उसको मैं इस तरह से गोस पीस की हेल्प से क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइजर या गोरश पाउडर लगा देती हूँ. अगर ईयर्स वेट हैं तो गोरश पाउडर लगाते हैं, और अगर ईयर्स जो हैं वो ड्राई ड्राई हैं, उनकी बैक से स्किन ड्राई ड्राई है, तो मॉइस्चराइजर लगा देना है. तो यहाँ पे जी क्योंकि वेट थे इस वजह से मैंने गोरश पाउडर लगा दिया है बेबी के दोनों ईयर्स की साइड पे. इससे क्या होगा, बेबी के जो ईयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जो रेडनेस होगी वो भी खत्म हो जाती है और बेबी रिलैक्स हो जाता है. जब बेबी की बर्थ होती है तो हमने उसके हेड को कवर करके रखना होता है. हेड को कवर क्यों किया जाता है, इसके दो रीजन होते हैं. एक तो बेबी के सर पे हवा ना लगे, क्योंकि बेबी की बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती हैं, और उसके हेड को हमने कवर करके रखना होता है ताकि उसको हवा ना लगे. और दूसरा रीजन हेड को कवर करने का ये होता है कि बेबी का हेड शेप प्रॉपरली बन सके. कैप पहनाई जाती है ताकि बेबी का हेड जो है वो गोल रहे और प्रॉपर शेप में आ जाए. तो जब हम कैप पहना के रखते हैं बेबी को तो बेबी के जो ईयर्स है ना उसके ऊपर भी इस तरह से वो साथ चिपट जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से ईयर्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. समटाइम्स गीले गीले होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेट वेट, समटाइम्स ड्राई हो जाते हैं, और समटाइम्स उसके पीछे पिंपल्स निकल आते हैं. तो आगे वीडियो में देखें उसको कैसे डील करना है. यहाँ पे जी मेरे बेबी के जो ईयर्स हैं वो मैं आपको दिखाती चलूँ. ईयर्स के बैक पे इस तरह से पिंपल हो गए, थोड़ा थोड़ा सा उसमें रेशा या पीप भी आप देख सकते हैं, रेड हुआ हुआ है. तो इसके लिए प्रोवेट जी क्रीम मिलती है, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी. इस क्रीम को आपने ले लेना है फिंगर पे और बेबी के ईयर्स की बैक पे लगा देना है. दिन में 3 दफा आपने इस तरह से ये क्रीम लगानी है, और साथ में बेबी के जो ईयर्स है वो क्लीन करते जाना है. तो इससे क्या होगा, विद इन 2 or 3 days आपके बेबी के इस तरह के पिंपल्स ठीक हो जाएंगे. हाउ टू क्लीन अ बेबीज ईयर, बेबी के ईयर्स को किस तरह से साफ करना है. जब हम बेबी के ईयर्स को साफ करने लगते हैं ना तो उसमें कॉटन बर्ड बिल्कुल यूज नहीं करनी, क्योंकि कॉटन बर्ड से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं. तो आगे वीडियो में देखें कि किस तरह से आप प्रॉपरली बेबी के ईयर्स को क्लीन कर सकते हैं. It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I really miss this place. Just so you know you haven't been replaced, 'cause I still think of you now like nothing has changed. अगर बेबी के ईयर में पेन हो रहा हो तो उसको कैसे डील करना है आगे वीडियो में देखें. बेबी के ईयर में अगर पेन हो रही हो तो उसके लिए 2 best drops मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. नंबर 1 इज वैक्स एड एंड सेकंड इज लाइडोस्पोरिन. तो ये ड्रॉप्स जो हैं ये आपने बेबी के ईयर में डाल देने हैं. 3 drops डाल दें, 2 or 3 इनफ होते हैं. तो उसके साथ आपने ब्रूफिन सिरप दे देना है 1 teaspoon. इससे क्या होगा, बेबी को फौरी तौर पर आराम आ जाता है. विद इन 10 or 15 minutes आपका बेबी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और खेलना स्टार्ट कर देगा. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके. इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकती हैं, वहां पे मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.